हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय जोहार गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस हम लोग अब जा रहे हैं, फ्रेश फ्रेश हो गए, सुबह हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं बूढ़ी माता मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंदिर है। बहुत प्राचीन काल से वहां पर बहुत ही आनंद सा महसूस होता है वहां पर बूढ़ी माता मंदिर में, तो आपको भी लेके चलते हैं बूढ़ी माता मंदिर, बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए गए फटाफट चलते हैं, अपन लोग रेडी तो हो गए हैं, तो अपन लोग चलते हैं फटाफट बूढ़ी माता मंदिर, क्योंकि वहां जाते हैं दर्शन करते हैं ना, क्या पता गेट कितना समय बंद हो जाए ना। चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं, बाय। तो गाइस हम लोग फाइनली हम लोग बूढ़ी माता मंदिर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं माता रानी का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं ना। चलिए, तो फाइनली गाइस हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद मिल गया हमें, बहुत सुकून सा महसूस हुआ जब हम लोग अंदर गए थे। बहुत सारी बहुत अच्छे, देख सकते हैं आप मेरे पीछे में, बहुत अच्छे तरीके से इसको, इसका नक्काशी किया गया है, बहुत अच्छे से कारीगर ने इस मंदिर को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया, आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया। माता के मंदिर आते हैं हमेशा, जब भी मैं रायगढ़ आया हूँ बूढ़ी माता मंदिर आया ही हूँ, और यहाँ अलग से सुकून मिलता है। तो गाइस आप लोग भी आइए, माता रानी का दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आनंद की प्राप्ति कीजिए। तो ठीक है गाइस, चलिए अब माता रानी का दर्शन हो गया, अब हम लोग चलते हैं कुछ खाते हैं यार, यहाँ पर कहाँ अच्छा मिलता है कुछ खाते हैं, तो विवेक को मैं कॉल लगाता हूँ, ठीक है। चलिए आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा ना। शक्तिगुड़ी चौक में हम लोग को ब्रेकफास्ट का दुकान दिख गया है, अब यहाँ पर अपन लोग थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, यह का नाश्ते का शॉप है ना, तो देखते हैं क्या खिलाते हैं भैया आज हम लोग को, रायगढ़ में क्या फेमस है भाई, जो रायगढ़ में है वो खिला दे भाई, भाई हमारा बना रहा है। तो आप लोग भी कभी रायगढ़ आओ तो शक्तिगुड़ी चौक पे आना, भाई का अच्छा लगा, मस्त एक पत्ते के दोने पे दे रहा है यार, अच्छा है। तो आओ भाई के शॉप पे, विजिट करो इनकी दुकान पे, तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है, भाई को भी बता दिया हम लोग, तो आओ भाई के उसमें। अभी हम लोग के लिए नाश्ता लेके आ गया, छोले भटूरे ऐसा, तो करते हैं चलो, और उसके बाद बताते कैसा है, ठीक है। ये है यहाँ का नाश्ता, चटनी मजा आ गया, मस्त है, मस्त है, तो बहुत अच्छा है गाइस यहाँ का नाश्ता, मेरा फेवरेट टीका चटनी भी मिल गया मुझे। काफी उमस कर रहा है यार, बहुत अच्छा, आइए आप लोग भी। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे आपके साथ बात करते हैं, आने भी दो यार। गाइस भैया के यहाँ बहुत अच्छा नाश्ता था, मज़ा आ गया, दिल खुश कर दिया हमारा, तो रायपुर में जैसा नाश्ता हम लोग करते हैं वैसा आज रायगढ़ में मिल गया हम लोगों को, शायद माता रानी कृपा यही रही कि आज इधर आने का हो गया, तो अचानक नाश्ता भी अच्छा मिल गया। राशन भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ना, वीडियो जल्दी डल जाएगा आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नाश्ता तो एक नंबर, बहुत अच्छा था नाश्ता, मतलब रायपुर की याद आ गई है, रियल में रायपुर की। और ये खास करके ये देखा तो मेरा और दिल खुश हो गया था, तो ये चैनल पे आपका वीडियो आ जाएगा है ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और भैया के शॉप पे आके नाश्ता जरूर करना, कभी भी रायगढ़ आओगे शक्तिगुड़ी चौक के पास है इनका होटल, आओ और नाश्ता यहाँ पर जरूर करना मॉर्निंग के समय। ये शाम को भी खुलता है क्या? शाम को भी खुलता है, तो शाम को भी आइए और इनके शॉप पे जरूर नाश्ता कीजिए, चलो ठीक है। तो आइए भैया के शॉप पे, राधे श्याम साहू जी है इनका नाम, तो आइए इनके शॉप पे नाश्ता कीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, जाना पड़ेगा ना आपको, पास में नहीं है, पास में है ही, और आगे जाएंगे कम से कम आपको पड़ेगा 7 किलोमीटर पड़ेगा, बाप रे 7 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा।
ये जिम ट्रेनर भी है और डांसर भी है भाई। ये अभी मेरे को बोल रहा है कि भैया टीपा बोल, थोड़ा बिजी है अभी, बहुत ज़्यादा बिजी चल, जब भी आता हूँ बिजी रहता है बहुत। अच्छा है भाई, भाई हमारा वो करे, वो जो हमारी मैडम आ रही है, हमारी छोटी सी बहन एक आ रही है। तो भाई ये हमारा भाई विवेक, ये मेरा एक फैमिली है जो रायगढ़ में है, बस इसके अलावा कोई नहीं है मेरा यहाँ पर। क्योंकि जब भी आता हूँ मैं विवेक से ही कॉन्टेक्ट करता हूँ, मेरा भाई भी है, मेरा जान से बढ़ के है भाई, रायगढ़ में तो बोलूँगा तो जान से बढ़ के यही है मेरे लिए, जो आता हूँ कभी भी तो इसी से कॉन्टेक्ट करता हूँ। और एक आ रही है, गाड़ी भी लेके आ रही, वाह। चलो पूजा से भी मिलवाता है, तो विवेक है, विवेक से तो आप लोग मिलने, अभी बहुत बिजी है, बाद में मिलता हूँ। चलो ठीक है, पूजा से भी मिलवाते हैं ना आप लोगों को। चलो आते हैं, पूजा आ रही है हमारी नन्ही परी। छत्तीसगढ़ में गर्ल्स कैसे भी इनको गाड़ी दे दो, बहुत स्पीड में चलाती है, इनका कोई ठिकाना नहीं कब ठोक दे। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी, अभी बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी सी गुड़िया हमारी। जब भी आता हूँ रायगढ़ में, जब भी आता हूँ इन दोनों से ही मिलता हूँ, इन दोनों से ही कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है रायगढ़ में। 7 किलोमीटर, चलो ठीक है, 7 किलोमीटर पड़ेगा बोल रहा है विवेक, फिर मैं आता हूँ आप लोगों के साथ, फिर बताते हूँ आपको, लोकेशन दिखाता हूँ। चलो बाय। गाइस हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे थे और काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई, भाई थोड़ा सा सूज पकड़ लेने मिला, तो एक्चुअली में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, स्लीप हो गया था और काफ़ी सारी परेशानियाँ आ गई थी। ये हमारे घनश्याम भैया, आदित्य स्टूडियो इन्हीं का है, आज इनके कारण ही मैं शूट करने यहाँ आया हूँ। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है भैया, लोकेशन बहुत बढ़िया है, और हमारे लीड हीरो हीरोइन बैक साइड से आ रहे हैं, जूता पकड़ के आ रहे हैं, इन लोग बहुत दौड़ा है मेरे को, अभी गिरने गिरते गिरते बचा मेरा भाई बादल और क्या नाम है वर्षा, वर्षा नाम बताया तो, वर्षा क्या नाम है वो, वर्षा बताया भाई, अच्छा लीजा नाम है क्या, ओके लीजा नाम, वर्षा बताया तो मेरे को मोहंती सर का याद आया था, मैं बोला मोहंती सर के सूट में कहाँ पहुँच गया मैं। तो वही है, आप लोग को दिखाएंगे जैसा पूरा सॉन्ग आता है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोग। भाई इतने अच्छे एक्टर है और दूर से आए, दोनों उड़ीसा से, कहाँ कहाँ से उड़ीसा में, संबलपुर से, बादल भाई और कटक, आई एम फॉर कटक, कटक से आए हैं, कटक अच्छा है यार, पूरी भी आगे में जस्ट कटक के, तो ठीक है भाई। चलो थोड़ा थक गए हैं हम लोग भी, पानी वानी पीते हैं, फिर थोड़ा सा उसके बाद जो शूट होगा उसका बिहाइंड हम लोग को दिखाएंगे, हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है, बाय। मैम यहाँ पे बैठो ना, क्या दिक्कत है, मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, इसके कारण ही मैं यहाँ आया हूँ, लव यू गाइस, है ना। तो भाई भाई बहुत सारे संबलपुरी गाने और बहुत सारे सीजी गाने में कोरियोग्राफी कर चुके हैं, तो भाई भाई को सपोर्ट जरूर करना, और भाई भी एक से एक डिस्क डालते रहते लेकिन हम खिलाते नहीं। नहीं भाई नहीं, रजनीश भाई रायगढ़, तेरा नंबर मोबाइल कोई पकड़ा है क्या, नहीं पकड़ा, फोन किया, तू ही किया रे भाई, आप लगाया हो, निकाल के सभी को दे रहे। ये हमारा भाई बादल जो संबलपुरी हीरो है, देखो ये भी अभी यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे, भाई मजा आ रहा है, बहुत मजा, यही तो असली मजा होती है, नंदा का है, वाह बेसी उमस भी अच्छे ना, थोड़ा तुम भी खा लो तो और मजा बढ़ जाएगा, ओह माय गॉड, ये देखो हमारे कैमरा में, अरे बार पीस तो अच्छा आएगा तुम पास, ये जो कल नेक्स्ट सॉन्ग है इन्हीं का है, लिखा हुआ है, इन्हीं का गाया हुआ है, म्यूजिक कंपोजिंग भी इन्हीं ने किया है, बहुत अच्छा कंपोज है इस सॉन्ग का, मैं तो दीवाना हो गया हूँ इस सॉन्ग के लिए, इसीलिए मैं बोला कि नहीं पहले आ रहा हूँ मैं पहले, बहुत अच्छा सॉन्ग है भैया रियल में। और ये हमारे डायरेक्टर भाई यहाँ पर खाना बांट रहे हैं, खतरनाक भाई, ये देखो हमारे भाई डांसर लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, खाओ भाई खाओ खाओ, चल रजिन भाई बैठ 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 बैठ, चलो अब अपन भी थोड़ा चिकन वकन खाते हैं, तो क्या खाते हैं, बिरयानी आया बॉस, thank you.
शायद आप लोग पहचान नहीं रहोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ हमारे संभलपुरी सॉन्ग में बहुत सारे सॉन्ग इनके हैं, जो कि जो सबसे ज्यादा हिट सॉन्ग है मोनालिसा, हाय रे मोर लिसा। आप जाओगे तो मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ? हेलो गाइस, नमस्कार, कितना अच्छा समझते हिंदी में बोलूं या हिंदी उड़िया जो भी बोलो, हमारे रायपुर वाले सब समझते हैं। हाँ ओके, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार, और क्या बोलते हैं, जय जोहार। जय जोहार। हाँ, मुझे पता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग ये सॉन्ग कर रहे हैं, आज तो हिंदी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी करेंगे जी जी। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग जैसे दूसरों को बहुत ज्यादा प्यार दिए हैं, और अब तक जैसे मेरे संबलपुरी सॉन्ग से मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, वैसे छत्तीसगढ़ी सॉन्ग में भी बहुत ज्यादा प्यार दे, यही आशा करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके सॉन्ग बहुत सारे हम लोग देखे, बहुत सारे हिट सॉन्ग है, हमने बहुत सारे हिट सॉन्ग दिए। मैं थोड़ा सा आपको पहचान नहीं पाया था, फिर बाद में पता चला रही मैम आई है। चलो ठीक है, बता दूंगा इनका, दे दूंगा मैं इनको। अच्छा, दो मिनट उधर से आ रहा, जब तक मैं मैम से बात करता हूँ। तो मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बोल दीजिए कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। चैनल कौन सा है? D3 क्रिएशन CG04। सो फ्रेंड्स, D3 क्रिएशन CG04, D3 क्रिएशन CG04 को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को बहुत आगे लेके जाइए, क्योंकि ये चैनल यंगस्टर से भरा है। आप लोग देख पा रहे हैं इन लोगों के अंदर कितना जोश है। आगे चल के ये लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, तो इन लोगों को आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। डू लाइक देम, सपोर्ट देम, लव देम, एंड छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चलो गाइस, बहुत अच्छा लगा मैम के साथ बात करके, मैम को भी सपोर्ट कीजिएगा। इनका एक मोनालिसा वाला सॉन्ग है, उसका लिंक मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। मैम को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए, मैम का एक्टिंग बहुत ही सुपर्ब है, पूरे संबलपुर इंडस्ट्री में सब तहलका मचा के रखे हुए भाई, पूरा जलवा इन्हीं का है, पूरा उड़ीसा इंडस्ट्री। तो ठीक है गाइस, चलो वीडियो को मैं थोड़ा सा यहीं पर एंड करता हूँ, एक्चुअली में मेरे को बारिश भी हो रही है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो मैम एक बार लास्ट, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।